निरीक्षण करने का अधिकार मेरा सब दिन है। आप ये परमिशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, ये जानना है और इशू नहीं है। अरे आपसे मैंने कहा क्या निरीक्षण करना है मेरे को, मैं निरीक्षण करने आया हूँ। अरे आप लोग जाएंगे उसमें क्या दिक्कत, चलो। क्या हुआ क्या हुआ संगार, आपको मिलने दिया गया कि नहीं दिया गया? देखिए बिहार में नीतीश कुमार की सरकार कैसी सरकार आप समझ लीजिए। हमारे 5 टर्म के विधायक भी बोलेंगे कहाँ जाएंगे यहाँ से? एकदम धरना देने जा रहा हूँ और मांग करने जा रहा हूँ निष्पक्ष बनिए सरकार। नेता विरोधी दल का नेता भी हूँ, कैबिनेट मिनिस्टर सरकार ने दिया है और ये संविधान ने अधिकार दिया है कि मैं किसी भी जेल का निरीक्षण कर सकता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य है ये नीतीश कुमार जी की राज है, नीतीश कुमार जी के राज में साधु को संतों को 5 बार के विधायक को जेल में बंद रखा जाता है और गुंडों को जेल से बाहर करके छोड़ने का काम नीतीश कुमार की सरकार करती है। देख सकते हैं सम्राट चौधरी साइकिल से जेल से रवाना हो चुके हैं और सम्राट चौधरी यहां से सासाराम कलेक्ट्रेट गेट के सामने जाएंगे। सम्राट चौधरी मेरे बगल में है, देख सकते हैं सासाराम कलेक्ट्रेट गेट के सामने जाएंगे। कलेक्ट्रेट गेट के सामने जाकर धरना प्रदर्शन देंगे। सम्राट चौधरी को मिलने नहीं दिया गया यहाँ के पूर्व MLA को। वाह भैया वाह। नमस्कार, मैं हूँ सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का YouTube चैनल। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे धरना प्रदर्शन दिया गया है और मैं बता दूं कि दो समुदायों के बीच में हिंसक झड़प हुआ था, उसी को लेकर यहाँ के जो पूर्व MLA जो 5 बार के सासाराम विधानसभा के विधायक रह चुके हैं जवाहिर प्रसाद, उनको पुलिस के द्वारा 11:50 पर रात्रि में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश देखा जा रहा है और पटना से लगातार सासाराम में नेता भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता यहां पर पहुंच रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा 2 दिन पहले सासाराम की धरती पर पहुंचे हुए थे और आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पहुंचे हुए हैं। मैं बता दूं कि सबसे पहले सम्राट चौधरी सासाराम में आते ही जेल पर गए और जेल पर जो पूर्व MLA हैं जवाहिर प्रसाद उनसे मिलने की कोशिश किया, मगर वहां पे जेल पर जेल अधीक्षकों के द्वारा जो सम्राट चौधरी है उनको पूर्व MLA जवाहिर प्रसाद से मिलने नहीं दिया गया। इसके बाद सम्राट चौधरी साइकिल से यहाँ सासाराम के कलेक्ट्रेट गेट के सामने यहाँ पर आकर अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी में काफी आक्रोश है। एक महीने के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक जवाहिर प्रसाद की दो समुदायों के बीच में हिंसक झड़प हुआ था, उसी को लेकर रात्रि में 11:50 पर जिस तरह से पुलिस के द्वारा भारी संख्या में पहुंचकर उनके घर से सीढ़ी लगाकर गिरफ्तारी किया गया था, उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे भी लगा रही है और जगह जगह पर नीतीश कुमार का पुतला दहन भी किया जा रहा है। देख सकते हैं हजारों कार्यकर्ता के साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहां पर पहुंच चुके हैं और सम्राट चौधरी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कैसा हो सम्राट चौधरी जैसा हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार नारा लगाया जा रहा है कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो सम्राट चौधरी जैसा हो। देख सकते हैं कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता सड़कों पे उतर गए हैं और सड़क पर उतर कर नीतीश कुमार को घेरते हुए जिला प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं और जिस तरह से 5 बार के विधायक रह चुके जवाहिर प्रसाद उनको जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है, ये उन पर आरोप भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ के जिला प्रशासन और नीतीश कुमार पर लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा चिन्हित कर नीतीश कुमार के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा गिरफ्तारी किया जा रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पहुंच चुके हैं सम्राट चौधरी और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता हैं। यहाँ के बाद जो दंगा में जो एक युवक की मौत हुई थी वहां जाएंगे, शायद अमियावर जाएंगे, यहीं से सम्राट चौधरी मिलने उस युवक के परिजनों से पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे और देख सकते हैं कि कलेक्ट्रेट गेट के सामने सम्राट चौधरी धरने पर बैठ गए हैं और भारी संख्या में जिला प्रशासन के द्वारा हर चौक चौराहे पर
पुलिस को उतार दिया गया। देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता यहां पर पहुंच चुके हैं और एक दिवसीय धरना में बैठ चुके हैं। मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि देख सकते हैं कि यहां पे तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता मौजूद हैं। देख सकते हैं कि यहां रोहतास कैमूर के जो MLC हैं संतोष कुमार सिंह, जो गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के MLC हैं जीवन कुमार जी, और देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर बड़े नेता राजेंद्र सिंह यहां पर मौजूद हैं, और देख सकते हैं कि रामगढ़ विधानसभा के पूर्व में विधायक भारतीय जनता पार्टी के अशोक सिंह मौजूद हैं, और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो देख सकते हैं निवेदिता सिंह यहां पर मौजूद हैं, और देख सकते हैं कि सम्राट चौधरी यहां पर मौजूद है। और लगातार इन लोगों के द्वारा यहां के जिला प्रशासन और नीतीश कुमार पर आरोप लगाया जा रहा है कि जिस तरह से चिन्हित करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिस तरह से गिरफ्तार किया जा रहा है, सासाराम के दो समुदायों के बीच में जिस तरह से हिंसक झड़प हुआ था उसी को लेकर जिस तरह से चिन्हित करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा गिरफ्तार किया जा रहा था उसी को लेकर यहां पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हजारों के संख्या में यहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर चुके हैं और बिल्कुल सासाराम एक तरह से कह सकते हैं कि जाम हो चुका है, और कलेक्ट्रेट गेट के सामने ही एक दिवसीय बड़ा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। लगातार मैं इस खबर पर बना हुआ हूं और लगातार आप लोगों के बीच दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बिहार के बड़े नेता यहां पर पहुंच चुके हैं और एक दिवसीय धरना में यहां पर बैठे हुए हैं। पल पल के अपडेट देते रहेंगे आपको, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।